शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से हेलो पुलिस स्टेशन से फोन है क्या आओ बेटा हमारे साथ खाना खाओ क्या बात है बेटा परेशान दिख रहे हो काम तो ठीक से चल रहा है ना अब अब सब ठीक चल रहा है भैया भैया भाभी क्या हुआ ऋतु पानी हम ना इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर आए जिसे सुनकर आप सबके होश उड़ने वाले भाभी उन गुंडों का पता चल गया है जिन्होंने श्रद्धा के गहने लूटने की कोशिश की थी क्या गुंडों को धर लिया गया है पुलिस स्टेशन से फोन था कि श्रद्धा को कल वहां जाना है और उनकी पहचान करनी है अब हम थक गए अब हम कुछ खाएंगे हम भी जाएंगे दीदू के साथ पुलिस स्टेशन तुम्हें जाने की क्या जरूरत है देखना चाहते हैं मिलना चाहते हैं उनसे जिन्होंने हमारी किस्मत की लकीरें बदल दी कहते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है पर तुम्हारे आंसू देखकर तो ऐसा लग रहा है महासागर में भी बाढ़ आ जाएगी अरे आंसू क्यों पूछ रही हो थोड़ा और रोलो ना आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं और क्या बोलूं सारा नाटक यहीं कर लोगी तो पुलिस स्टेशन जाके क्या करोगी ऐसे एक्टिंग अच्छी करती हो नाइस परफॉर्मेंस आपको ये सब नाटक लग रहा है और क्या पूरे परिवार के सामने तुम्हें गलत को गलत कहने से कोई नहीं रोक पाए फिर चाहे सामने तुम्हारी बहन क्यों ना हो अरे थप्पड़ तक मार दिया तुमने उसे लेकिन अबे मैं लेकिन अब तुम्हें डर लग रहा है पुलिस वालों के सामने उस गुंडे को पहचानने में उसे जिसकी वजह से तुम्हारी किस्मत की लकीरें बदल गई आप सही कह रहे हैं लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उनका सामना कैसे करूंगी श्रद्धा तुम्हें पता तुम्हारे अंदर वो ताकत है जिससे तुम किसी भी चीज का मुकाबला कर सकती हो सच की ताकत तुम्हें बस सच बोलना है और ये जो डर का किला तुमने अपने आसपास बनाया ना या तो हमेशा इसमें जियो या तो इसे तोड़ के बाहर आ जाओ किस्मत की लकीरों से और हमेशा याद रखना कमजोर को दबाना बहुत आसान होता है तुम जितना दबोगे लोग तुम्हें उतना दबाएंगे लेकिन जिस दिन तुमने अपने डर पे काबू पा लिया ना वो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत होगी हम दीदू को बोल के आते हैं कि हम भी उनके साथ चलेंगे हम अभी अरे तुम्हारा वहां क्या काम है कोई जरूरत नहीं है जाने की लो बताओ तुम्हें क्या तकलीफ हो गई उसके वहां जाने से और तुम तो इतने उछले जोर से
जिसे श्रद्धा वहां तुम्हारी पहचान करने जा रही हो। क्या बकवास कर रही हैं आप? मैं बस ये नहीं चाहता कि कीर्ति ऐसे वैसे किसी गुंडे के सामने जाए, बस। वरुण जी आप क्यों चिंता कर रहे हैं? कौन सा वहां जंग लड़ने जा रहे हैं? वैसे भी दीदू होंगी ना साथ, हम जा रहे हैं उनसे बात करें। चोरों का गुलाम, हम भी जाते हैं, हमें भी जानना है कि ये है। हाँ? कल तुम श्रद्धा के साथ पुलिस स्टेशन जाने के लिए सीरियस हो क्या? हाँ, क्यों? एक्चुअली मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया था, पर यहाँ तो मुझे ही सरप्राइज मिल गया। कैसा सरप्राइज? वो घर में इतनी टेंशन का माहौल है ना, तो तुम्हें रिलैक्स करने के लिए तुम्हें स्पा ले जाता हूँ, लेकिन तुम तो किसी सरप्राइज को सरप्राइज रहने ही नहीं देती हो। हाँ, सच्ची? मुच्ची, पर मैंने तो कल का सेशन भी बुक किया है, पर ठीक है, अगर पैसे वेस्ट होते हैं तो हो जाने दो। तुम श्रद्धा के साथ, मतलब अपनी दीदू के साथ पुलिस स्टेशन जाना चाहती हो तो बिल्कुल जाओ। नहीं नहीं वरुण जी, हम स्पा जाएंगे, ऐसे कैसे पैसे वेस्ट होने दें? और थाने में जो भी होगा वो तो हमें पता चल ही जाएगा ना, हम स्पा जाएंगे। कीर्ति को तो रोक लिया, पर अब श्रद्धा को कैसे रोको? मैं लगा देता हूं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। इन्हें जितना भी दूर करने की कोशिश करूं, ये चुंबक की तरह पास आ जाते हैं, पर मैं भी ना हार नहीं मानूंगी। सोनिया, क्या हुआ? तुम ठीक हो? पाँव में फिर से लग गई, कहीं हड्डी तो नहीं टूट गई? सुनिए, मुझे लगता है कि सोनिया को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। देखिए ना, उसी पाँव में दोबारा से मोच आ गई है, जब तक एक्सरे नहीं होगा पता नहीं चल पाएगा कि फ्रैक्चर हुआ है या नहीं। ठीक है। आरती, 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 आरती तो कॉलेज गई होगी ना, आप सोनिया को लेकर जाइए, देखिए ना कितनी तकलीफ में है, प्लीज देर मत कीजिए, जाइए। हाँ ठीक है, पर थाने हम एक साथ जाएंगे, सुनिए चलो। सॉरी श्रद्धा, लेकिन तुमने मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। हेलो, उस बार तुझे जिंदा छोड़ दिया था, वो थी हमारी पहली गलती, और अगर आज तूने हमारे आदमी की पहचान कर दी तो वो होगी दूसरी गलती, और गलती की सजा हो गए, इस बार जिंदा नहीं छोड़ेंगे छोरी, समझे? इसलिए घर पे आराम से बैठ और ठंडा पी। कौन? हेलो, वरुण जी हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं वो बताना चाहता हूँ। कुछ बताने की जरूरत नहीं, अब बस फैसला होगा। सब तुम्हारे प्यार में किया। अच्छा, प्यार में किया है? तो प्यार में क्या आप अपनी बीवी को भूखे रखेंगे?
मतलब स्पा के बाद भूख भी तो लगेगी ना वरुण जी, लंच नहीं करेंगे क्या? उस बार तुझे जिंदा छोड़ दिया था, वो थी हमारी पहली गलती, और अगर आज तूने हमारे आदमी की पहचान कर दी तो वो होगी दूसरी गलती, और गलती की सजा हो गए। इस बार जिंदा नहीं छोड़ेंगे छोरी। क्या हुआ, डर गई? तुम जाओगी नहीं? श्रद्धा, तुम्हारे पास जो ताकत है ना, उससे तुम जिंदगी में किसी भी चीज का मुकाबला कर सकती हो। सच की ताकत, तुम्हें बस सच बोलना है। ये जो डर का किला तुमने अपने आसपास बना लिया है ना, या तो तुम्हें अपना पूरा जीवन इसमें बिताना पड़ेगा, या तो इसे तोड़कर। और याद रखना, कमजोर को दबाना बहुत आसान है। तुम जितना डरोगी लोग तुम्हें उतना डराएंगे, लेकिन जिस दिन तुमने अपने डर का सामना कर लिया, वो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हो। इस डर के जंजीरों को तोड़ के रहूंगी मैं। आपका भरोसा मैं टूटने नहीं दूंगी। अभय, मैं जाऊंगी पुलिस स्टेशन, मैं जाऊंगी। श्रद्धा, कहाँ, ऑफिस जा रही हो क्या? नहीं नहीं, आज मैंने छुट्टी ली है, वो पुलिस स्टेशन जा रही हूँ मैं ना, थोड़ी जल्दी में हूँ, आपसे मैं आकर बात करती हूँ। तो बिल्कुल नहीं डर रही। श्रद्धा जी, गौर से देखकर बताइए इन दोनों में से कौन था। देखिए, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पुलिस आपके साथ में है। उस बार तुझे जिंदा छोड़ दिया था, और अगर कल तूने हमारे आदमी को पहचान लिया, इस बार जिंदा नहीं छोड़ेंगे छोरी। श्रद्धा जी, क्या इन दोनों में से कोई है? आप देखिए ध्यान से और पहचानिए। याद रखो, कमजोर को दबाना बहुत आसान है। तुम जितना डरोगे लोग तुम्हें उतना डराएंगे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये वो नहीं है। देखिए, आप घबराइए बिल्कुल मत, थोड़ा टाइम ले लीजिए, आराम से देखकर बताइए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपसे कहा ना, ये वो नहीं है। Thank you.
हेलो श्रद्धा, कैसी हो बेटा? मम्मी कहाँ हो आप? बेटा लॉन में हूँ, पौधों को पानी दे रही थी। आप अभी के अभी घर के अंदर जाइए और दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए। बताओ तो सही, बात क्या है? मुझसे अभी इतने सवाल मत पूछिए, मैं जैसा कह रही हूँ आप प्लीज वैसे ही कीजिए। आप अभी अंदर जाइए और जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत आइएगा। अच्छा ठीक है, मैं आपको शाम में फोन करती हूँ। अब अभय जी को क्या जवाब दूंगी? श्रद्धा, मैंने तुम्हें इतना समझाया था, फिर भी तुम कैसे उन गुंडों को जिसने तुम्हारी जिंदगी बदल दी बिना उसे पहचाने, बिना उसे सजा दिलवाई आ सकती हो? तुम्हें अकेला जाने ही नहीं देना चाहिए था, तभी मैं तुम्हारे साथ आना चाहता था। थोड़ा भी सच नहीं बोल पाई तुम श्रद्धा, तुमसे ना उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए थी मुझे। अब है मेरा यकीन मानिए, मैंने कोशिश की थी, जैसा आपने कहा था ना बिल्कुल वैसे ही कोशिश की थी, अपने अंदर से वो डर के किले को आजाद करने की कोशिश की थी, मेरा विश्वास कीजिए। लेकिन मुझसे लेकिन क्या? हाँ, तुम कोशिश भी ईमानदारी से नहीं कर पाई। सच ये है श्रद्धा कि तुम एक डरपोक हो, तुम्हें डर में जीना अच्छा लगता है। हाँ, वो मैं डरपोक, क्योंकि जब बात मेरे घर वालों के जान पर आ जाती है ना तो मैं वहां पर कमजोर पड़ जाती हूँ। मतलब सुन, तुम्हारी फैमिली अभी मॉल से बाहर निकली है, अगर तुमने पुलिस को कुछ भी सच बताया तो यहाँ से तो निकलेंगे पर घर नहीं पहुंच पाएंगे। ये तो अंकल आंटी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, मैं भी ना बिना उसकी बात सुने पता नहीं क्या क्या बड़बड़ कर गया। श्रद्धा, वो गलती से मेरा मतलब आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हारी बिना बात सुने ही पता नहीं क्या क्या बोल गया। श्रद्धा प्लीज प्लीज रो मत, अंकल आंटी को कुछ नहीं होगा, वो एकदम सेफ है, बस तुम रो मत प्लीज। कैसे नहीं करूं मैं उनकी चिंता, मुझे तो ये भी नहीं पता है कि वो लोग कौन है जो मम्मी पापा को धमकी दे रहे हैं। श्रद्धा तुम फिक्र मत करो, वो कुछ नहीं होगा उन्हें, तुम खुद सोचो, इतने दिनों से उन गुंडों ने कुछ नहीं किया, ना तुम्हारे साथ ना तुम्हारे परिवार के साथ, जैसे उन्हें गवाही की बात पता चली तो फड़फड़ा गए। हाँ तो उनकी तरह से सोचे तो तुम डर गई, रूप बच गए, अब वो इस पछड़े में नहीं पड़ेंगे। लेकिन वो लोग मेरे पल पल की खबर तो रख रहे हैं ना, याद है ना आपको, शादी के बाद भी वो लोग घर के बाहर तक पहुँच गए थे, अब कहीं वो लोग फिर से मम्मी पापा को तो नहीं? सिद्धांत, अंकल आंटी को कुछ नहीं होगा, जब तक मैं हूं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। खुश होने दो उन गुंडों को अपनी छोटी सी जीत को, पर अब मुझे भी पता मुझे क्या करना है। क्या
नीचे रख दीजिए। ये सब क्या है मम्मी? आपको और पापा को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत की सारी चीजें मैं ले आई हूँ। अगर आपको किसी भी और चीज की जरूरत हो तो आप प्लीज मुझे फोन कीजिएगा। उस गुंडे का एड्रेस दे दीजिए मुझे प्लीज। सर मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं और मेरी बीवी श्रद्धा दोनों आपको पूरा साथ देंगे उसे पकड़ने में। आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि चेहरे पे चार चांद लग गए? उस रात की कहानी आज यहीं खत्म। अरे उन गुंडों का एड्रेस है, अब देखना कॉलर से पकड़ के घसीट के लाऊंगा उनको तुम्हारे पास। हम दोनों मिलके उससे उगलवाएंगे कि किसने करवाया ये सब कुछ। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।